हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 7 अप्रैल की बात करें तो पूरी दुनिया में आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हेल्थ को लेकर दुनिया के सभी देशों के बीच कोऑपरेशन के लिए साल 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे की 76th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के एनजीओस, कई सारे देशों की सरकारें आज के दिन कई सारे कैंपेन चलाती हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि बीमारियों से बचने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड केयर और इवन क्लाइमेट चेंज के कारण कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं, इन सब को लेकर आज के दिन जागरूकता फैलाई जाती है। इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है माई हेल्थ माई राइट, जिसमें फोकस किया जा रहा है फंडामेंटल ह्यूमन राइट, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के 140 देशों में अच्छे स्वास्थ्य को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में डाला गया है, जिसका मानना है कि हेल्थ एक लग्जरी नहीं बल्कि सभी लोगों का एक मौलिक अधिकार है और उनकी सरकार देश के सभी लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए काम करेगी। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर। खबर आ रही है कि फाइनली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया ने एमका फाइटर जेट का डिजाइन फाइनलाइज कर दिया है एंड मौके पर क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के दौरान कुछ बदलाव करने पड़े थे जिसकी वजह से डिजाइन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। खुशी की बात यह है कि अब न सिर्फ डिजाइन फाइनलाइज हुआ है बल्कि एमका फाइटर जेट की मेटल कटिंग भी स्टार्ट हो गई है, जिसके तहत इस फाइटर जेट के कुछ प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी और क्लियरेंस मिलने के बाद वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, यानी मेटल कटिंग इस पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप है। आई होप कि भारत जल्दी अपना फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बना ले, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मेटल कटिंग ही कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ टर्की और साउथ कोरिया जैसे देश भी अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट की टेस्टिंग तक पहुंच गए हैं। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। पिछले कल कनाडा की एजेंसीज और सरकार ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि हम कनाडा के इलेक्शंस में दखल देते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देना भारत की नीति नहीं है, हम कनाडा के सभी बेसलेस आरोपों को खारिज करते हैं। सच्चाई ये कि कनाडा की सरकार हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देती है, यानी खालिस्तान के मसले के ऊपर हमारे यहाँ पर दखलबाजी करती है। अब जो ये कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, इसको सुनने के बाद तो एक ही कहावत याद आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत और रशिया ने वेस्टर्न देशों के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बनाए गए रूल्स को रिजेक्ट करते हुए बायलेटरल ट्रेड में जो नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना शुरू किया था उससे दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, यानी कि यूएस डॉलर और यूरो को अवॉइड करने से भारत और रशिया दोनों देशों की सरकारों को बड़ा फायदा हो रहा है। रशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अपनी नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बाद अब भारत की तरफ से कोई भी पेमेंट डिले बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है और रशिया बड़ी वॉल्यूम में भारत को लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई भेज रहा है, यानी नेशनल करेंसीज को बायलेटरल ट्रेड में इंट्रोड्यूस करने के बाद सारे मसले सुलझ रहे हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल भारत से स्टडीज के लिए अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की मौत का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कल खबर आई है कि अमेरिका के ओयू स्टेट में एक और भारतीय स्टूडेंट की मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो गई है। इस भारतीय स्टूडेंट का नाम बताया जा रहा है उमा सत्य साई गाटे। अब ये पिछले 3 महीने में 10वीं बार किसी भारतीय स्टूडेंट की मौत अमेरिका में हो रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और वो प्रॉपर जांच करने के बाद ही कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि अमेरिका के अंदर भारत से गए स्टूडेंट्स की वहां पर लगातार हत्याएं हो रही हैं और इन सबको रोकने में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक पूरी तरह से फेल हो रहा है। आप सोचिएगा अगर ये केस उल्टा भारत में होता, यानी कि अगर भारत के अंदर एक एक करके अमेरिका के 10 लोगों की हत्या होती तो ये कितनी बड़ी बात होती, इसको कितनी इंटरनेशनल कवरेज मिलती और अमेरिका इसको लेकर कितना भारत के ऊपर प्रेशर बनाता। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि 1981 के पैक्ट के तहत भारत सरकार मालदीव्स को हर साल कई सारी एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करती है और साल 2024-25 के लिए उसका भी कोटा 25% और 5% से बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के इस कदम को लेकर मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के लिए जो भारत की सरकार ने मालदीव्स के लिए एसेंशियल आइटम्स का कोटा बढ़ाया है उसके लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर और भारत की सरकार को धन्यवाद। भारत सरकार का ये कदम दर्शाता है कि मालदीव्स और भारत के बीच जो लंबी पार्टनरशिप और लंबी दोस्ती है उसको और मजबूत करने, दोनों देशों के बीच बायलेटरल ट्रेड और बायलेटरल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत की पूरी कमिटमेंट है।
आज की 6th अपडेट आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को लेकर। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल भारत को $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है यानी FDI मिली है। लेकिन अब भारत की सरकार इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भारत सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया है $100 बिलियन का। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार इस $100 बिलियन की FDI में चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। FDI के लिए चाइना की निर्भरता ना हो और बड़ा चंक वेस्टर्न देशों की कंपनी से आए, इस तरह की कोशिश हो रही है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। भारत में लोकसभा इलेक्शंस की शुरुआत ऑलमोस्ट हो गई है। 7 फेसेस में वोटिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। हालांकि ये तो अभी तक नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद कौन सा वर्ल्ड लीडर भारत के दौरे के ऊपर आएगा ये अब काफी हद तक डिसाइड हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकसभा इलेक्शंस के कुछ ही दिनों के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आएंगी। देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वो पहली लीडर होंगी जिनको मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद इनविटेशन भेजा जाएगा। वैसे अभी तक क्लियर नहीं है कि मोदी 3.0 सरकार बनेगी या फिर राहुल गांधी 1.0, लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगी आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और पार्टी। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित। जिस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, सेम उसी तरह से भारत में भी CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। इस पार्टी के इस समय लोकसभा में 3 MPs हैं। आज हम CPIM पार्टी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कल इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें अगर इनकी सरकार बनती है तो ये बाकी देशों के साथ संबंधों को लेकर क्या स्टेप्स उठाएंगे, उसको लेकर भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में काफी लंबी लंबी बातें बोली हैं जो कि आपको हैरान कर सकती हैं। और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भारत की नहीं बल्कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है। अपने मैनिफेस्टो में CPIM ने लिखा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो अमेरिका के साथ भारत के सारे डिफेंस टाइज और पैक्ट्स को तोड़ देंगे, क्वाड संगठन को छोड़ देंगे और इसके साथ ही भारत में जो इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE के साथ मिलकर I2U2 संगठन बनाया था, अगर CPIM की सरकार बनती है तो वो I2U2 से भी बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही CPIM ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि इसराइल के साथ सारे सिक्योरिटी और मिलिट्री टाइज तोड़ दिए जाएंगे और यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इसराइल के ऊपर कड़े सैंक्शंस लगाए। इसके साथ ही फलस्तीन के कॉज के लिए काम किया जाएगा, चाइना और पाकिस्तान के साथ टॉक्स को दोबारा से स्टार्ट करके नेगोशिएट करके सारे मसले सुलझाए जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर कल्चर और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा यानी पाकिस्तान के एक्टर्स, सिंगर्स, इन सबको एक बार फिर से भारत वापस बुलाया जाएगा। और अगर CPIM की सरकार बनती है तो दोनों देशों के बीच क्रिकेट एक बार फिर से बहाल होगा। ये विचार है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज नागरिकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने देश में काम करने वाले सभी चाइनीज एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है, लेकिन फिर भी सुरक्षा में कोई ना कोई चूक रह जाती है और आतंकी चाइनीज इंजीनियर्स को मार ही लेते हैं। इसको लेकर अब पिछले कल पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा चाइना के ऊपर ही डाल दी है। मरियम नवाज ने पिछले कल ये कहा है कि चाइना के जो भी लोग पाकिस्तान में काम करने आते हैं, जब हम उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं तो वो सामने से गुस्सा हो जाते हैं और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो डिसिप्लिन में आना ही नहीं चाहते हैं और साथ में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की परेशानी उठाना ही नहीं चाहते हैं। यानी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो चाइनीज इंजीनियर्स को अपनी तरफ से प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन ये चाइनीज इंजीनियर्स ही हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं। मरियम नवाज आज की डेट में पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाबी स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके इस बयान से चाइना काफी गुस्सा हो सकता है और चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकती है। आज की 10वीं अपडेट आ रही है मेक्सिको और इक्वाडोर को लेकर। पिछले कल इन दोनों देशों के बीच इतना बड़ा ड्रामा हुआ है कि बात UN के वियना कन्वेंशन तक जा पहुंची है। सबसे पहले आप ये देखें कि मेक्सिको और इक्वाडोर वर्ल्ड मैप के ऊपर हैं कहां पर। ये दोनों देश अमेरिका के ठीक नीचे सिचुएटेड है। पिछले कल क्या हुआ कि इक्वाडोर की पुलिस सीधा मेक्सिको की एम्बेसी के अंदर ही घुस गई थी। दरअसल इक्वाडोर में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज ग्लास के ऊपर करप्शन और रिश्वत लेने के काफी सारे गंभीर चार्जेस लगे हैं। उनके ऊपर इक्वाडोर में काफी केसेस चल रहे थे, लेकिन पिछले कल क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से मेक्सिको की एम्बेसी में जाकर मेक्सिको से असाइलम यानी शरण मांग ली। अब नॉर्मली जिस भी देश में दूसरे देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट होता है उसके अंदर कोई भी देश अपनी पुलिस या फिर आर्मी नहीं भेज सकता है, लेकिन पिछले कल इक्वाडोर की पुलिस सीधा मेक्सिको की एम्बेसी के अंदर ही घुस गई और अपने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके साथ ले लिया। इस बीच इक्वाडोर की पुलिस और मेक्सिको एम्बेसी ऑफिसर्स के बीच काफी बहसबाजी हुई और हाथापाई भी हुई।
और देखा जाए तो ये पूरी तरह से वियना कन्वेंशन के खिलाफ था। लेकिन फिर भी इक्वाडोर ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को मेक्सिको की एम्बेसी में घुसकर अरेस्ट करके बाहर निकाला। अब इस पूरी घटना के बाद मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ फिलहाल के लिए अपने सभी तरह के डिप्लोमेटिक टाइज को अचानक से कट कर दिया।